गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा इन दिस वीडियो वी विल रीड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन लिमिट्स ऑफ द माइंड. एकलव्य कट ऑफ हिज राइट थंब वर्डलेसली एंड लेड इट इट एट द्रोणास फीट. यहाँ तक बेटा हम रीड कर चुके थे, अब हम रीड करेंगे मैनी ईयर्स पास्ट. यहाँ से मैनी ईयर्स पास्ट ए ग्रेट बैटल वॉज गोइंग ऑन इन कुरुक्षेत्र बिटवीन द कौरवस एंड द पांडवस. कि जब एकलव्य ने, पीछे हमने स्टोरी में रीड किया कि एकलव्य ने, सॉरी द्रोणा ने एकलव्य से राइट थंब जो है गुरु दक्षिणा में मांग लिया था और एकलव्य ने बिना कुछ कहे अपना राइट थंब काट कर द्रोणा के पैरों में रख दिया था. तो उसके बाद काफ़ी साल बीत जाते हैं बेटा. अ ग्रेट बैटल वॉज गोइंग ऑन. काफ़ी साल बीत जाने के बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई, जिसे हम महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध कहते हैं, वो चल रही थी बिटवीन द कौरवस एंड द पांडवस. जैसा कि आजकल आप महाभारत टीवी पर भी देखते हो, ये उस टाइम की बात है. एकलव्य की जो ये स्टोरी हम रीड कर रहे हैं, तो वो स्टोरी, वो लड़ाई कौरव और पांडवस के बीच में चल रही थी. बट एज फेट हैड इट, फेट मीन्स यहाँ पर किस्मत, भाग्य. लेकिन देखो भाग्य क्या था, द ग्रेट मास्टर द्रोणा वॉज फाइटिंग अगेंस्ट हिज फेवरेट प्यूपिल. कि जो महान द्रोणा टीचर था, जो कुरु प्रिंसेस का और अर्जुन का जो फेवरेट, अर्जुन जो उसका फेवरेट पीपल था, उसके विरुद्ध लड़ रहे थे. महाभारत की कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हो रही थी कौरवों और पांडवों की, तो जो द्रोणा थे वो अपने ही फेवरेट पीपल अर्जुन के अगेंस्ट थे उस युद्ध में. After the day's battle, a sad Drona was sitting in his camp. काफ़ी दिनों की बैटल, लड़ाई के बाद, a sad Drona, बड़ा उदास Drona जो था उनका गुरु, was sitting in his camp. कैंप में बैठा हुआ था. Suddenly, like a respectful prayer, arrows fell near his feet, one after the another. कि अचानक से जो सैड द्रोणा बैठा था उसके पैरों में ऐसा जैसे कि रिस्पेक्ट के रूप में एक के बाद एक आकर बाण गिरने लगे. ही लुक्ड अप, और उसने बैठे हुए जैसे वो उदास बैठा था, ऊपर देखा. जब उसके पैरों में बाण आकर गिरने लगे तो उसने ऊपर देखा एंड सॉ द यंग एकलव्य. और अब वो एकलव्य जो है वो यंग हो गया था और वो उस द्रोणा के सामने खड़ा था. Master, I have learned to shoot with my right thumb. I can shoot with my left hand and with my feet. कि मास्टर, मैंने, श्रीमान, मैंने अपने राइट थंब के बिना शूट करना सीख लिया है. I can shoot, और मैं अब अपने लेफ्ट हैंड से, यहाँ तक कि मैं अपने दोनों पैरों से भी शूटिंग कर सकता हूँ, तीर चला सकता हूँ, धनुष बाण चला सकता हूँ. आई हैव टॉट अदर्स, मैंने दूसरों को भी बहुत सिखाया, बहुत लोगों को सिखाया. एंड रेज्ड एन आर्मी, और एक आर्मी तैयार कर ली है पूरी, आर्चर्स की पूरी सेना तैयार कर ली है. टुडे आई एम नोन एज अ ग्रेट आर्चर, और आज मैं एक बहुत महान आर्चर, धनुषधारी के रूप में जाना जाता हूँ. द्रोणा वॉज स्पीचलेस, स्पीचलेस वॉज नॉट एबल टू स्पीक, बिल्कुल भी बोलने के लायक नहीं था वो, इतना शर्मिंदा हो रहा था. द्रोणा वॉज स्पीचलेस. मास्टर, आई सेट योर ग्रेटनेस फ्री फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ योर माइंड. योर ग्रेट लव फॉर अर्जुना क्रॉस द लिमिट्स ऑफ फेयरनेस व्हेन यू आस्क्ड फॉर माई थंब. अब द्रोणा, एकलव्य द्रोणा को कह रहा है कि श्रीमान, मैंने जो आपकी महानता थी कि आप एक इतने अच्छे आर्चर थे, उसकी उस अच्छी अच्छाई को आपकी, आपके जो दिमाग की लिमिट थी, सीमा थी कि मुझे लो बोर्न को नहीं सिखाना, उसको फ्री कर दिया है आपकी महानता को आपके दिमाग की लिमिट्स से. क्या मतलब है इसका यहाँ पर बेटा, कि जो द्रोणा था वो बहुत अच्छा आर्चर था, लेकिन जो उसकी सोच थी कि मुझे लो बोर्न को नहीं सिखाना, इसकी वजह से वो कभी भी महान नहीं हो सका. मतलब महान तो था, लेकिन उसकी जो अच्छाई थी वो फेमस नहीं हो सकी, क्योंकि उसने एकलव्य को नहीं सिखाया था. योर ग्रेट लव फॉर अर्जुना क्रॉस द लिमिट्स ऑफ फेयरनेस व्हेन यू आस्क्ड फॉर माई थंब. कि जब आपने मेरे से मेरा राइट थंब मांगा था, तो अच्छाई की सारी हदें क्रॉस कर दी थी आपने. आपका अर्जुन के प्रति इतना प्यार था कि आपने ये नहीं सोचा कि मैं क्या मांग रहा हूँ गुरु दक्षिणा में, अच्छाई की सारी हदें पार कर दी थी.
बट दिस मेड मी लर्न टू शूट विद बोथ हैंड्स एंड फीट. लेकिन आपने जो ये मुझसे राइट थंब मांगा, इससे भी मुझे एक सबक सीखने को मिला. अगर आप मेरा आज राइट थंब ना लेते तो शायद मैं लेफ्ट हैंड से और पैरों से चलाना नहीं सीखता. आपके राइट थंब लेने से मुझे सबक मिला और उसके कारण मैंने अपने लेफ्ट हैंड से और यहाँ तक कि पैरों से भी धनुष चलाना सीखा. एंड फॉर दिस लेसन आई ऑफर माई सर्विसेज टू यू इन दिस बैटल. और आपके इसी शिक्षा की वजह लिए मैं इसी शिक्षा की वजह से आज मैं आपको इस युद्ध में अपनी सेवाएं देता हूँ. मीन्स मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा तो आखिर आपसे ही है ना. वो उसे ही गुरु मानता था. वो बात अलग है कि जो द्रोणा था उसकी सोच ऐसी थी कि मैं लो जाति को नहीं सिखाता. द्रोणाज आईज फील्ड विद टीयर्स. टीयर्स यहाँ पर आंसुओं से भर गई उसकी आंखें. ही आंसर्ड यस इट इज़ ट्रू बाउंड्स एंड लिमिट्स आर इन द माइंड. कि ये सच है, जो बाउंड्स सीमाएं और लिमिट्स बनाई हैं, हद बनाई हैं, वो हमारे दिमाग की सोच है. कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी एक समान हैं. ये हमारे माइंड की सोच होती है. रियल करेज इज़ फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स एंड रिस्पेक्टिंग द करेक्ट वंस. कि जो असली साहस है वो रॉन्ग लिमिट्स, जो हमारी छोटी बंदिशें, छोटी सीमाएं, छोटी सोच हमारे दिमाग की है, उसके विरुद्ध लड़ने की में है. और रिस्पेक्टिंग द करेक्ट वंस, और अच्छी बातों की रिस्पेक्ट करने में है. एकलव्य यू हैव टॉट मी अ ग्रेट लेसन टूडे. कि एकलव्य आज तुमने मुझे एक बहुत ही अच्छा लेसन सिखा दिया है. बेटा क्या लेसन? कि एक तो हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए. इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर कोई इंसान भगवान ने एक जैसा बनाया है, भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है. कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान है. भगवान ने सबको एक समान बनाया है. ये जो गरीब अमीर लो कास्ट हाई कास्ट का सिस्टम है, ये हम लोगों के द्वारा ही बनाया हुआ है. और दूसरी बात हमें ये सीखने के लिए मिलती है कि अगर हमारे अंदर किसी भी काम को करने की इच्छा है, डिटर्मिनेशन किया हुआ है, हमने पक्का दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो हम श्योरली उस काम को करने में सक्सेसफुल होंगे. जैसा कि एकलव्य के साथ हुआ था. एकलव्य द्रोणा ने क्या किया था? एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया था. लेकिन एकलव्य की इंटेंस डिज़ायर थी कि वो एक बहुत अच्छा आर्चर बने. और इसके लिए उसने क्या किया? उसने ट्री ट्रंक से द्रोणा का स्टैचू बनाया और उसकी पूजा की और उसे ही अपना गुरु माना. और उससे गुरु मानकर रोज़ उसके सामने प्रैक्टिस करता और इमेजिन करता कि उन्होंने मुझे शाबाशी दी है और एक अच्छा आर्चर बन गया. तो बेटा हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और हमें पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पक्के इरादे के साथ अपने काम को पूरा करने का निश्चय करना चाहिए. आई होप इट्स क्लियर टू यू. थैंक यू. और होमवर्क में बेटा आज आप इसका बुक पार्ट करेंगे, A3 एंड A4. ट्राई करोगे आप इसे, बिल्कुल इजी है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.